तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हमारे जेम्स की वीडियो आ गई है टेलकोना कैंडी की। तो आप मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ बना दो, तो मैं लेकर आ गई हूँ जेम्स की टेलकोना कैंडी। देखिए, मैंने हार्ड इमोजी लगाई थी। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने थोड़ी देर ऐसे खेला, फिर जो है ना हमने इसे क्रश कर ले एंड फिर हम इसे मेल्ट करने लगे। और इसमें जो है ना मेल्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा घी भी डालना पड़ेगा एंड आप देख सकते हैं कि हमने इसमें घी डाला था और आप देख सकते हैं जो वाइट वाइट है वो थोड़ा थोड़ा घी मेल्ट हो रहा है हमारा, देखिए। और हम मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि इसमें थोड़ा पानी भी डालना है एंड आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा भी ऐड हो चुका था हमारा। आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल शेप इतनी अच्छी आ गई थी इस ब्रश से। तो हमने आज शेप में दी, यूजुअली हमने नॉर्मल रखा एंड मैं एडिटिंग ऐसी मैंने एडिटिंग से ली थी एंड गाइस आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया था, मैंने गर्म गर्म निकाली थी लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा था। अगर आपको ट्राई करना है ना ज़रूर ट्राई कर। और जैम्स आपको अच्छी लगती है ना, और ये हमारे किचन तीवा है तो साथ में जाते हैं मैंने टेस्ट करो और बताओ ये कैसी तीवा है। टेस्ट करो जैम्स की कैसी बनी है डलगोना कैंडी। हाँ तो उसके रिएक्शन दिख ही रहे होंगे आपको एंड गाइस अगर आपको जैम्स अच्छी लगती है लाइक करिए एंड मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। गाइस हम आपको बाद में, तो गाइस उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारी मदर ने भी खाया था इसे, वो भी कहती बहुत अच्छा टेस्ट है और हमारी सिस्टर ने भी खाया था। हाँ गाइस बहुत अच्छा टेस्ट था गाइस एंड मेरे ब्लॉग आने वाले हैं। गाइस अब हम इसे खा लेते हैं और बाद में मिलते हैं आपको।